धीरे धीरे करके। तो गाइस मैं मोटो ब्लॉगिंग भी बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो सो गाइस, आज छुट्टी मिला है तो इसलिए आज मैं ब्लॉग पे आया हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है, और हफ्ते में सिर्फ एक बार ही छुट्टी होता है, इसीलिए वो तो रेस्ट करके रूम का सारा काम करके दिन बीत जाता है। इसीलिए आज मैं सारा काम जल्दी जल्दी उठ के ख़त्म करके वीडियो बनाने आया हूँ फिर से। टाइम निकालना पड़ेगा ना वीडियो के लिए। तो गाइस प्लीज़ माइंड मत करना, मेरा हिंदी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। आज हिंदी में ही ब्लॉग बना लेता हूँ, क्योंकि हिंदी भी सीखना ज़रूरी है ना, इसलिए। तो चलो गाइस अब खाना बना दे। उसने पूरा ये सामान लेके आया है, मुझे खाना बनाऊंगी, खाना खाऊंगी बोल के ये वही वही अंडा वगैरह सवेरा लेके आया है ये गाइस। तो उसके लिए ये बना देता हूँ। तो गाइस ये देखिए, अब खाना बनाने के लिए जाता हूँ, उसके लिए भूख लगी है बोल के ये वही वही बकेटा बनाते। गाइस देखो ना, वो नियो के साथ मैं ड्यूटी जाते हुए ये लेके आया था। पता नहीं उसने गाड़ी रुका था सामान के लिए, फिर मैंने मेरे हाथ से वो तरबूजा गिर गया, दो टुकड़ा हो गया गिर के, वो भी अंधेरा में पता नहीं किधर था। हम लोग जा ड्यूटी से आ रहे थे नियो के घर वापस, दो फेंकला हो गया। तो देखिए गाइस वो मेरे लिए आम चोरी करके लेके आया है, इतना बड़ा बड़ा है, मैंने बोला है आप मत लेके आना। तो वो आम लेके आया था मेरे लिए, और मैं वो आम का अचार डालूंगी, वो तो खा नहीं सकते ना, इसलिए देखो आप मैं इसके लिए ये बना देता हूँ पहले। पानी बॉयल करता हूँ, बॉयल छुट्टी में। देख सकते हो गाइस भी उसका वही वही बन रहा है, क्या करूं क्या करूं। आप इसका अच्छा डालते हैं, आप लोग को भी दिखा देते हैं, लेकिन ये इसका मैं कल डालूंगी, ये काट के सुखाऊंगा उसके बाद डालूंगा। मेरे को मालूम ही नहीं था, मैं उसके साथ घूमने गई थी ना गाइस, तो मैंने देखा कितना अजीब सा, कभी गोला आम, कभी लंबा, कभी इतना बड़ा बड़ा आम। वो ऐसा ही खाते गाइस, उसका पोंछ के अंडा बहुत अच्छा होता है। हमारा खाना रेडी हो चुका है, ये देख सकते हो आप, ये भी अब वो आएगी उसको इसमें बैठेंगे। फैन ऑन कर देता हूँ ना, गर्मी है देखो गाइस, मौसम भी अच्छा है, ये कपड़े धोया था जल्दी सूख जाता है। ये नीचे का ओनर बैठे, हमारा रूम इधर है, अंकल लोग इधर खेती करता है, अच्छा है ना गाइस। इधर आम भी है, वो गोला गोला आम है, पता नहीं कितना अजीब सा अजीब सा आम है। गाइस इधर सब लोग नेपाली लोग रहते हैं, ज़्यादातर नेपाली लोग ही है बैंगलोर पे, मैंने देखा था, और दो बच्चे लोग को भी ट्यूशन पे पढ़ाते थे मेरे को जब मैं ड्यूटी नहीं करता था, तो अब तो ड्यूटी करता हूँ इसलिए वो लोग को मैंने बोल दिया है मत लाने के लिए, इसलिए वो लोग भी नहीं लाया। अब मुझे ड्यूटी भी करना है, मैं तो इधर काम करने के लिए तो आया हूँ, वो बच्चे लोग को पढ़ाने से थोड़ा कम सैलरी मिल रहा था इसलिए नहीं। क्या करें गाइस, अब छोटी सी उम्र में शादी कर लिया इसलिए काम तो करना पड़ेगा,
नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। मुझे ना गाइस घर जाने का बहुत मन है, बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। पता नहीं, मेरे बाबा से मिलना है मुझे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। उधर दीदी लोग भी है अच्छे अच्छे हमारे गांव में, मज़ा आता था गाइस। न्यू के गांव में भी अच्छा है दीदी लोग, लेकिन मुझे को मिलना है गांव के लोगों से और बाबा से। बहुत मिस कर रहा हूँ मेरे गांव के लोग को। मिस करते कैसा उसको बहुत पसंद है ऐसा वाला एक, इसलिए तो मैंने बनाया। अच्छा है लेकिन अजीब सा, अजीब सा। देखो गाइस हमारे ये बिना तो जिंदगी नहीं, ये फैन बिना तो, ये तो हम है। और बेंगलोर में पानी की कमी हो रही है धीरे धीरे करके। क्या करते गाइस? गाइस न्यू भी आके खाना खाके अभी अभी चले गया, वो जा रहा है, ये था ना, वो चले गया। देखो अब ड्यूटी है, अब मैं मेरा काम। वो ये भी नहीं खाया, सारा फेंक दिया, ऐसा ही करता है। इसका कटिंग करते हैं इसको। देखिए गाइस ये हो गया है, अब इसको जाके लेके सुखाऊंगा, इधर सुखाऊंगा। खाना साना बनाऊंगा, उसके बाद में फिर से खाना साना बना के आऊँगा ब्लॉग पे। ठीक है गाइस, तो अभी खाना बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है ना, इसलिए बाय बाय गाइस। मैं अभी ना धो लिया है और खाना भी बनाया हुआ है, सब खाना वगैरह रेडी है। बस वो लोग, वो नियो भी आ गया है, अब बस खाना खा के ड्यूटी पे जाएंगे। हाँ खाना खा के करना पड़ेगा ड्यूटी ना। और क्या बोलना चाहते हो हमें? बोल दो तुम्हारे फैमिली लोग को ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है कंटिन्यू? क्यों आ नहीं आ रहा है, मतलब कि अब हम ज्यादा काम में बिजी रहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड थिंग क्या है, उतना फ्री टाइम मिल नहीं रहा है उसका। वो भी ड्यूटी जा रही है, मैं भी ड्यूटी जा रहा हूँ, तो उसी की वजह से कंटिन्यू ब्लॉग नहीं हो पा रहा है। और हम उस पर क्या ही कर सकते हैं, अगर हम रिटर्न जब घर जाएंगे तब हम लोग हाँ कंटिन्यू ब्लॉग करेंगे। ठीक है, अरे नहीं उधर उधर क्या देख रही है, मैं काला आ रहा हूँ क्या पूरा? अच्छा, तो आज क्या बनाया तुमने? आलू सब्जी। खाओ ना, खाओ आलू का सब्जी खा के मोटा और पतला हो जाओ। मैं मोटा ब्लॉगिंग भी बहुत जल्दी लेके आऊंगा, पर मेरा अभी माइक का जुगाड़ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो माइक का भी जुगाड़ हम लगा लेंगे। उस दिन मेरा ब्लॉग नंदी हिल्स का आने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम हो गया सुबह, इसी की वजह से हम जा नहीं पाए और वो ट्रिप को हमें कैंसिल करना पड़ा। नंदी हिल्स का ब्लॉग भी जल्दी कवर कर लेंगे। तो गाइस मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, आज का वीडियो बस इतना ही था।